Hi everyone, welcome at Technical News World with the amazing video on Nifty Bank. कोई कहता है बैंक निफ्टी, कोई कहता है निफ्टी बैंक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों. अभी देखिए, ये डेली चार्ट है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, बट अभी नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये कंफर्म होता है ये वाली नेकलाइन ब्रेक होने पर, तो अभी करनी पड़ेगी वेट. बात यह है, अगर माइक्रो एनालिसिस करते हैं अभी की लास्ट स्विंग पे, राइट, इसे हम स्विंग कहते हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ना, यहाँ से यहाँ गिरना. ओके, वीडियो देखिएगा एंड तक दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, राइट. अभी देखिए, MACD यहाँ से बेरिश क्रॉस ओवर देने के बाद देख सकते हो कि अभी भी बुलिश क्रॉस ओवर नहीं दे पा रहा है. ओके, अभी वो कर्व है, यानी नीचे चली जाएगी, नेगेटिव है, वैसा हम नहीं कह सकते हैं. ओके, बट ये जो वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन. देख लेते हैं दोस्तों, आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, आपको ऐसा भी लगेगा कि ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है. ये ट्रेंड लाइन ऐसी है जिसे ऐसे तो हम कहते हैं, बहुत मीन्स क्या कहते हैं इसे, 90 डिग्री भी कह सकते हैं, या हालत बहुत ख़राब स्पीड में गिर सकता है ऐसा दिखता है, राइट. बट हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे कि वो गिरेगा, इतनी स्पीड से गिरेगा, राइट. ठीक है, जा सकता है, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है ऐसा अभी फिलहाल दिख रहा है. ओके, और कोई बात हमें दिख रही है तो वो मैं बता दूं, हमने मूविंग एवरेज पे एक मेथड बनाई थी जिसमें हमने बताया था आपको कि ये गिर गया, राइट. इनसाइड बार है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी. ओके, और ये जो इनसाइड बार है ना, ये वाली जो कैंडल के अंदर है, तो उसमें बेरिश क्रॉस ओवर आ चुका है, E5 E10 को काट चुका है. डेफिनेटली अगर ये हाई के ऊपर गया तो ब्लास्ट भी हो सकता है. ओके, बट अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि क्यों ये हाई के ऊपर, क्योंकि ये हाई के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो ये क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ आएगा, तो बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, तो दोनों अपॉर्चुनिटी है. बट अभी ट्रेंड लाइन जो टूटा है उसके हिसाब से बात करें, और MACD से, तो ये लो के नीचे, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, राइट, तो ये लो के नीचे नीचे जा सकता है. क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन का जो थियरी है, राइट, उसके हिसाब से भी ये गिरने वाला पार्ट बड़ा है और थोड़ा ही बढ़ने वाला पार्ट छोटा है कंपेरेटिवली, राइट. ये देखिए, ये दिस इज कॉल एक्शन, दिस इज कॉल रिएक्शन, राइट. तो ये बॉटम टूटता है, कौन नीचे भी जा सकता है. बट अगर अब बार की बात करूँ मैं, राइट, इफ आई टॉक अबाउट द अप ट्रेंड फॉर टुडे ओनली, तो ये हाई क्रॉस होता है तो ये ग्रीन एवरेज जो है इट कैन क्रॉस टू रेड लाइन, यानी E5 कैन क्रॉस टू E10 अपवर्ड, राइट. तो देखते हैं अभी फिलहाल ये लो के नीचे जाएगा तो क्या हो सकता है, और हाई के ऊपर गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत आज के दिन स्पार्क आए ऊपर की तरफ, यानी ऐसा हुआ तो हो सकता है कि E5, आपको लगेगा दोस्तों कि दोनों तरफ बोल रहा हूँ, बट अभी सीनेरियो ही ऐसा है तो क्या करूँ, पोजीशन ही ऐसी है तो, राइट. ये देखो, ऐसा भी हो जाएगा तो बड़ा ग्रीन बार बन जाएगा, राइट. बट चांसेस अभी फिलहाल ये दिख रहे हैं कि जो अप ट्रेंड है 90 डिग्री वाला दोस्तों, राइट, वो टूटा है. ओके, टूटने के बाद ऐसे गिरा है, फिर रिएक्शन लिया है, राइट. तो ये वाला जो बॉटम है, ओके, उसके नीचे ही ओपन होता है तो कोई काम का नहीं है, बट अगर उसके लो तोड़ता है तो हो सकता है इट कैन गो डाउन. फिर तो आपको पता ही है, डाउन ट्रेंड के लिए रिवाइज स्टॉप लॉस, वेट फॉर द ग्रीन कैंडल. और अगर आप अभी भी डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हैं, राइट, अभी भी आप लड़ रहे हैं डिसिप्लिन डेवलप करने में, क्योंकि मैं भी लड़ रहा था, ऐसा नहीं है कि सभी में डिसिप्लिन दूर रहता था, तो आप कर सकते हो सिंपल लास्ट कैंडल का हाई स्टॉप लॉस सेल में, और बाई में हो तो नया स्कैंडल का लो, राइट. अभी और पहलू देख लेते हैं, हेड एंड शोल्डर जो है वो क्लियर कट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में दिख रहा है. बट अभी देखिए दोस्तों, जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंफर्म कब होगा, जब वो नेकलाइन ब्रेक करेगा, तब तक कैसे कहें, राइट. ये देखो, आपके लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वहाँ से, मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए है, राइट. और ये नेक लाइन है, ओके. तो अभी तो उसकी वेट करनी पड़ेगी, और उससे अच्छा अगर कोई गैप डाउन यहाँ कहीं पे खुल जाता है तो आपको बढ़िया फिर पता भी चल जाएगा ऐसा कुछ होता है तो भाई अभी ये जाने वाला है, राइट. तो अभी फिलहाल ये है हमारा मार्केट के लिए एनालिसिस किया है दोस्तों आपके सामने, राइट. ऐसा नहीं कि मैंने लेवल दे दिया आपको, ओके. और ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 32,000 का कॉल स्ट्राइक प्रेस है, जहाँ पे बहुत पोजीशन है, और वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे भी वही सीनेरियो होता है, यही हाई है 32,090, राइट. तो वहाँ से प्रेशर अभी फिलहाल दिख रहा है, और पुट का जो स्ट्राइक प्रेस है वो 31,800 है, ओके. उसके नीचे तो 2-3 बार जाके आया ही है, तो ये लो टूटेगा तो हो सकता है डाउनफॉल आए,
राइट, और ये हाई टूटे 32,000 का, तो अब वो आ सकता है सिर्फ आज के दिन के लिए, हो सकता है। ओके अभी फिलहाल चांसेस ये लोग के नीचे फोकस करेंगे, ये हाई पे भी फोकस कीजिएगा। बट ये लो क्या है मैं बता दूं आपको, जो MACD उसके हिसाब से एक्शन रिएक्शन के हिसाब से जो लग रहा है, सो द लो इज, दिस इज द कैश चार्ट दोस्तों, रिपीट करना चाहूँगा, लो इज 31670.35। यहाँ पे डेटा विंडो में आपको दिखेगा जैसे मैं कर्सर रखूँगा लो, राइट। और स्टॉप लॉस डाउन ट्रेंड का ये आता है 31988.90, और ये हाई टूटता है तो ये लो, ये अप ट्रेंड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। बट क्योंकि ये क्रॉस ओवर आने के सिर्फ चांसेस है, बाकी ज़्यादातर ये लो के नीचे नीचे जाएगा ऐसा फिलहाल अभी दिख रहा है, बट दोनों तरफ हो सकता है। बट फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि एक्शन रिएक्शन थियरी पे हम फोकस कर रहे हैं, तो वो ऐसा दिखा रही है कि ये लो के नीचे जा सकता है। यहाँ पे एक गैप अप है तो वहाँ से बाइंग प्रेशर थोड़ा बहुत आ सकता है, अगर गैप फिल हो गया तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। गैप फिल होने पे आपको, गैप फिल होगा तो एक क्या होगा फिर कि बुल्स के कंट्रोल में से चला गया मार्केट, राइट। और गैप डाउन के साथ अगर ये गैप अप फिल होता है ओके, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके फिलहाल देख लेते हैं बाकी के इंडिकेटर क्या कहते हैं। तो बात करता हूँ एवरेज को, कर देता हूँ हाइट। MACD तो आपको दिख ही रही है, बट दोस्तों जब भी ये येलो जो सिग्नल लाइन है ना, वो जीरो लाइन के ऊपर हो ना, तब तक हम अप ट्रेंड ही कहते हैं, उसको डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, राइट। ये तो हम अभी फिलहाल प्राइस एक्शन से डिसीजन ले रहे हैं, राइट। अभी बात कर रहा हूँ मैं ADX है दोस्तों, MACD को कर देते हैं हाइट। ADX इसका हमें और देखिए दोस्तों, इंडिकेटर से क्या फायदा होता है, कंफ्यूजन दूर करता है वो, राइट। ADX हमें, हमने ये सेटअप रखा था आपके लिए, राइट, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, जिसमें मैंने इन्फोसिस का आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे एक और नया ADX का सेटअप है ओके, जिसमें बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड ही है ओके। बट यहाँ पे ये जो रेड लाइन है उसने क्या किया दोस्तों, 25 के ऊपर गया और नीचे वापिस आया, यानी बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड विद जिगजैग पैटर्न, राइट। इसका वीडियो का टाइटल रहेगा जिगजैग, राइट, विद द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। अभी दोस्तों इसमें क्या हो सकता है देख लेते हैं, अगर ये लो ब्रेक होता है, राइट, तो यहाँ पे चांसेस क्या ज्यादा है वो बता देता हूँ। ये ऊपर भी जाएगा ना ओके, तो डाउनफॉल आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है ओके। और ये ग्रीन लाइन नीचे चला जाएगा, व्हाइट लाइन अगर बीच में आ गया और टर्न लिया, बीच में आएगा तो टर्न ऐसा, तो बिगिनिंग ऑफ द डाउन ट्रेंड बन सकता है, ADX ऐसा कह रहा है, राइट। फिर तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है ओके। अभी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट है दोस्तों, निफ्टी में पूरा अलग है और बैंक निफ्टी में अलग है, राइट। तो यहाँ से ये लेवल आपको ध्यान में रखना है ओके, 31670.35 ओके। और ये डाउन ट्रेंड का स्टॉप लॉस रहता है ये हाई, राइट। आज ब्रेकआउट आता है तो ये हाई रहेगा 31988.90 ओके। फिर कैसे क्या करना है मैंने बता दिया। आज अगर मान लो ऐसे गिरा तो अभी आज के लिए ये स्टॉप लॉस है, और प्राइमरी बिगिनिंग लेवल पे आप स्टॉप लॉस एवरी डे भी रिवाइज कर सकते हो, और थोड़ा एडवांस में जाए तो यू शुड वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, राइट। जब भी ग्रीन कैंडल बनता है सपोज यहाँ पे, तो उसका है आपका स्टॉप लॉस, राइट। सो दिस इज अबाउट द बैंक निफ्टी, बाकी के इंडिकेटर चेक कर लेते हैं। RSI में अभी फिलहाल कुछ है नहीं, वो दोनों के बीच में ही ओवरबॉट ओवरसोल्ड, लेकिन वो काट के यहाँ पे उसमें भी रिएक्शन है, देखेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल उस पर उतना फोकस नहीं है। CMO देख लेते हैं, माय फेवरेट वन CMO। CMO क्या कह रहा है दोस्तों, CMO का वैल्यू है यहाँ पे देखिए -22.86 है, बट है तो -0 के नीचे है, बट वो इतने मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर -50 के नीचे गया ओके, तो बड़ा डाउनफॉल की गुंजाइश है, राइट। बाकी कोई इंडिकेटर बॉलिंग है बैंड का भी देख लेते हैं, बॉलिंग है बैंड में अभी फिलहाल कुछ उतना है नहीं, उससे अंदाजा अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम भी ठीक है दोस्तों। स्टॉकेस्टिक, स्टॉकेस्टिक तो ठीक है, वो भी गया हुआ है, लेकिन स्टॉकेस्टिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी फिलहाल जाने देते हैं, राइट। और एक स्टॉक था ओके, जो मैं बताना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक। दोस्तों इसमें इंडसइंड बैंक का क्या सीन है तो बता दूं, यहाँ पे ये टॉप और ये टॉप के बीच में ये बॉटम थी, वो टूट चुकी है। रिजल्ट के दिन पहले तो बहुत उछला था, फिर क्या हुआ आपको पता ही है,
ओके, तो रिजल्ट पे ट्रेड मत करें। जिन लोगों ने रिजल्ट अच्छा है देख के ले लिया होगा, उनकी हालत क्या होगी मैं बता देता हूँ। इस दिन रिजल्ट आया था और ये इतना उछला था, किसी ने ले लिया होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, फिर क्या हुआ आप देख लो। अभी बात यह है, गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे, गैप डाउन के साथ इट ब्रोक द दिस बॉटम, राइट। तो यहाँ से उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। द लो वॉज 1396.15, राइट। पहले स्टॉप लॉस ये हाई था, राइट। अभी जो प्राइमरी लेवल का स्टॉप लॉस है, आसान स्टॉप लॉस, अभी ये हाई हो जाएगा, राइट। तो एवरी डे अगर स्टॉप लॉस रिवाइज करना है तो की बात है। अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो लेट इट गो डाउन, और ग्रीन कैंडल का हाई जो बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस, राइट। तो यहाँ से उसने बता दिया है कि सब फंस चुके हैं ऊपर वाले, ये गैप डाउन है, फिर भी लोग खड़े रहते हैं ये स्टॉक में, राइट। दूसरी बात इसका देख लेते हो, कॉल या जहाँ से मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 1500 कॉल स्ट्राइक प्राइस, और पुट स्ट्राइक प्राइस में 1400, तो उसके नीचे चला गया है। सोचो दोस्तों, अभी पता नहीं क्या होगा इसका, राइट। बट जाने के चांसेस फिलहाल डाउन है। अभी उसका भी सब रिपोर्ट निकलवा देते हैं। तो MACD उसका देखो, वाइट लाइन तो चली गई है जीरो के अंदर। मैं डिस्प्ले में उसके पैरामीटर डाल देता हूँ। माइनस अभी जो ये येलो लाइन अभी फिलहाल बाकी है, राइट। जो सिग्नल लाइन यहाँ पे येलो और वाइट लाइन है, वो मैं कलर चेंज कर दूंगा बाद में, तो ग्रीन रेड हमें ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, राइट। बॉलिंग बैंड देखो दोस्तों, लोअर बैंड के नीचे क्लोज दे दिया है, राइट। बैंड ओपन हो चुका है, तो चांसेस, और इवन ये जो कैंडल है वो अनटच है, तो स्मूथ एरिया में आ चुका है अभी, फॉल के लिए अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है। स्टोकेस्टिक तो रेड हो चुकी है, ओवर लोग कहते हैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट, बट यहाँ पे तो उसकी हालत और खराब होती है ओवरसोल्ड में। मैं बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली, आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड अगर आपको अंदाजा है तो कर सकते हो दोस्तों। दूसरी बात है CMO, CMO इसका भी 42.24 है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, राइट। अभी -50 के नीचे गया नहीं है, जाएगा तो देख लीजिएगा इसमें क्या होता है, नीचे के चांसेस ज़्यादा है। फिर ADX देख लेते हैं दोस्तों इसका। ADX में रिएक्शन नहीं है फिलहाल, बट ठीक है, अभी तो दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो ADX तो साइडवे बोल रहा है, बट प्राइस एक्शन की बात करूँ तो वो यहाँ से जनरेट हो चुका है। छोटा स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, क्या पहले ये यहाँ से जब सेल किया तब आपका स्टॉप लॉस ये हाई था, फिर अभी ये हाई हो गया। कोई कहता है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो हम क्या करें दोस्तों, हमारे जेब से स्टॉप लॉस नहीं निकाल सकते, वो तो जो आता है वही रखना पड़ता है। आप क्वांटिटी में एडजस्ट करें, ओके। आप बड़े बड़े लॉट बेच देते हो, ओके, आपकी रिस्क कैपेसिटी के बिना अभी स्टॉप लॉस ही यही आता है, तो हम भी क्या करें। अभी ये स्टॉप लॉस के बजाय आज ये हो जाएगा, और ग्रीन कैंडल की वेट करनी है, तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हुआ है, राइट। बट वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जब ये इस दिन ये लो ब्रेक हुआ इस दिन, राइट, तब आपका स्टॉप लॉस ये हाई था। अभी ग्रीन कैंडल की वेट करोगे तो अभी भी यही है, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस 200 रुपया आप रखोगे तो ₹1,00,000 चला जाएगा, राइट। तो अभी फिलहाल डिसिप्लिन वो नहीं आएगा, इसीलिए बेस्ट है कि एवरी डे स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाए। जब सेल हो तो प्रीवियस डेज हाई स्टॉप लॉस, जब बाय हो तो प्रीवियस डेज लो स्टॉप लॉस, सिंपल, राइट। बाकी कोई इंडिकेटर इसमें देखने हैं तो वो भी देख लेते हैं। एवरेज, तो एवरेज तो देखो दोस्तों, क्रॉस ओवर आ चुका है E5 E10 का, वो भी गैप डाउन के साथ। अभी क्या कहना है इसके बारे में, इस पर भी हमने एक ट्रेडिंग मेथड रखी थी दोस्तों, कि गैप डाउन के साथ E5 E10 को डाउनवर्ड काटती है तो भी अच्छा सेल कॉल है। इस पर हमने मूविंग एवरेज का जो पूरा कवरेज किया, एक ट्रेडिंग मेथड डेवलप की थी, राइट। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, वो मैं लास्ट में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो इसको कर देते हैं गुड बाय, ओके। इसको ये रहा, RSI में भी आप देख रहे हो लुढ़की हुई है नीचे की तरफ, बॉलिंग बैंड देख लिया दोस्तों, ओपन ही है, राइट। MACD भी ठीक है सब, राइट। तो ये है इंडसइंड बैंक, जिसमें यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। वैसे तो गैप डाउन से यहाँ पे भी हो चुका था, और कैंडलस्टिक पैटर्न से भी यहाँ से भी हो चुका था, ओके। बट फिलहाल ये सीन है इंडसइंड बैंक, और ये रहा बैंक निफ्टी का अपडेट, राइट। सो इसको देखिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, बट आप खुद देखिएगा दोस्तों, और इसको यूटिलाइज करें, और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब तो होने ही वाला है,
ओके सो नए वीडियो के साथ मिलेंगे फिर दोस्तों, और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एफ एंड ओ के जो 160 स्टॉक्स है उसमें हम फटाफट ट्रेंड लाइन या जितना भी मेरे पास नॉलेज है सब डाल के आप मैं एनालिसिस करूंगा ओके, और धीरे धीरे लाइव वीडियो भी शुरू करेंगे ओके। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।